भजन संहिता अध्याय 105 भजन संहिता अध्याय 105 यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो और यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को पूछो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई है, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छू और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इसराइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब तक उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके द्रोहियों से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा, उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार किया और अंधियारा हो गया और उन्होंने उसकी बातों को न टाला। उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी तब डास आ गए और उनके सारे देश में कुटिया आ गई। उसने उनके लिए जलवृष्टि की संति ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई, और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अन्नादि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को उनके पुरुषों के सब पहले फल को नाश किया। वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्मल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका मन डर से समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फहराया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाए और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करके निकाल लाया और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें।
यह की स्तुति करो।